हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से IBPS PO और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश के एक क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकेंड में पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिए। यदि इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो IBPS PO में और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको केवल और केवल 4 या 5 सेकेंड लगेंगे। ऑफिशियल जो टाइम मिलता है आपको बैंकिंग एग्जाम में वो 40 सेकेंड का टाइम मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 4 to 5 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और यदि आप मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू घर बैठे अपनी स्टडी करना चाहते हैं और शॉर्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो ये सारे ई कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इनका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, एक सिंगल फ्लर का ये क्वेश्चन है और इसको हम पढ़ते हैं। पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव आर्ग्यूड दैट द बिल प्रोवाइड्स। अब देखिए, यहाँ पर एक बिल की बात हो रही है। बिल क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, और जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका एक टेम्परेरी प्रपोजल, एक टेम्परेरी ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, जब पार्लियामेंट से ये पास हो जाता है और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं तो ये बिल बन जाता है कानून। और बिल प्रोवाइड्स, देखिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि बिल प्रोवाइड्स, बिल किस चीज़ को प्रोवाइड करेगा? जो एक्ट होता है वो किसी भी चीज़ को लीगलाइज करता है, उसको लेजिटिमेट करता है। तो बिल का काम होता है किसी चीज़ को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना। अब प्रोवाइड व्हाट, देखिए यदि आप यहाँ पर बोलते हैं कि बिल प्रोवाइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो नाउन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बिल प्रोवाइड्स, बिल प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? यानी यहाँ पर आपको जो वर्ड चाहिए वो नाउन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब लेजिटिमेसी जो वर्ड है वो नाउन के फॉर्म में भी है, और लेजिटिमेसी का एक सेंस बन रहा है क्योंकि बिल या कानून का काम होता है किसी चीज़ को लेजिटिमेट करना या लीगलाइज करना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आपका श्योर शॉर्ट आंसर होगा लेजिटिमेसी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है बैंकिंग एग्जाम्स में, और इस तरीके से यदि करते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो ना केवल सही होगा, एक्यूरेट होगा, बल्कि विद इन सेकेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये है सेकेंड क्वेश्चन। इन आसाम वी आर इलीगल माइग्रेशन इन फैक्ट एज वेल एज इन, देखिए आसाम में, ठीक है, वेयर इलीगल माइग्रेशन इन फैक्ट एज वेल एज, यहाँ पर दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इन फैक्ट एक तो है, इन फैक्ट, और एक चीज़ और आएगी जिसको हमने एज वेल एज से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक होता है इन फैक्ट और एक होता है एग्जेजरेशन। किसी चीज़ को हम वास्तविकता में बोलते हैं और किसी चीज़ को हम कल्पना में बोलते हैं। तो इन फैक्ट एज वेल एज, यानी इन फैक्ट के, इन फैक्ट का इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यदि आप रियलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे यदि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ रियलिटी में भी होती है और कल्पना में भी होती है क्योंकि एज वेल एज लगा हुआ है, तो यहाँ पर इन फैक्ट के साथ केवल और केवल एग्जेजरेशन वर्ड ही आ सकता है, क्योंकि इन फैक्ट एज वेल एज इन एग्जेजरेशन, यदि कल्पना में हम बात करें और रियलिटी में बात करें, दोनों ही स्थिति में ये चीज़ सही हो सकती है, तो यहाँ पर एग्जेजरेशन आएगा। अब देखिए, हालांकि मैं श्योर हूँ कि 5/5 ही इसमें आंसर होगा, लेकिन हम सेकेंड को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, तो यहां पर आपको एक नाउन वर्ड चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड है लैंडस्केप, यानी ये दोनों ही ऑप्शन इस पैरामीटर पर आपके खरे उतर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखिए कितना लंबा ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक। इस पूरे सेंटेंस को मैंने नहीं पढ़ा और ना ही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़े, ना ही एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको ये सारे वर्ड्स पता हो। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को पढ़े बिना केवल लॉजिक को अप्लाई करके आप बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को 4 या 5 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ये रियल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन प्री के हैं, कुछ क्वेश्चन मेंस एग्जाम के हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आपका जो इंग्लिश का हवा है, जो इंग्लिश से आपको डर लगता है और इंग्लिश में आपका स्कोर नहीं बढ़ पाता है, केवल 4 या 5 नंबर आ पाते हैं, सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पाता है, यदि आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो 18 से 20 नंबर आप 30 में से मिनिमम में बता रहा हूं कि इतने नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। और ये सारी टेक्निक मैं बहुत डिटेल में अपने ई कोर्सेज में बताता हूं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे ई कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसके थ्रू अपनी सफलता सुनिश्चित करें जैसे दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सारे वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए यहां से अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, क्लियरली द बिल इज सीन बाय डिटेक्टर। इसमें भी बिल की बात हो रही है, बिल क्या होता है मैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं। द बिल इज सीन बाय डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब ऐसे लोग जो किसी चीज को अपोज करते हैं। टू बी ब्रेकिंग द जनरल ऑन द एनआरसी, एनआरसी क्या है, एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये असम में बनाया जा रहा है और इस माइग्रेंट जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से असम में घुस रहे हैं उनके बारे में है ये, मतलब जो लोग वहाँ के सिटीजन्स हैं जो असम में रहे हैं मतलब बाहर से नहीं आए हैं उनका पूरा डिटेल इसमें रहता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो क्लियरली द बिल इज सीन बाय डिटेक्टर, बिल को डिटेक्टर्स के द्वारा यानी जो अपोज कर रहे हैं बिल को देखा जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है कि टू बी ब्रेकिंग द जनरल, मतलब एनआरसी के ऊपर जो जनरल एग्रीमेंट बना है उसको वो चीज़ वो ब्रेक कर रहा है। बिल के बारे में लोगों का विचार ये है, मतलब डिट्रैक्टर जो हैं जो अपोजिशन वाले हैं उनका विचार ये है कि बिल जो है ये ब्रेक कर रहा है किस चीज़ को, कि एनआरसी के ऊपर जो एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन समथिंग, कोई चीज़ कोई सहमति बनती है तो किसी चीज़ के ऊपर बनती है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो अग्रीमेंट का इक्विवेलेंट हो, और अग्रीमेंट का इक्विवेलेंट इसमें वर्ड है कंसेंसस, क्योंकि कंसेंसस का अर्थ होता है सहमति, ठीक है। तो कंसेंसस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप देखिए पूरे सेंटेंस को मैंने नहीं पढ़ा और इसका सही आंसर मैंने निकाला और सही आंसर को मैंने जस्टिफाई किया लॉजिक के साथ। तो इस तरीके से यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर्स विद द प्रॉपर लॉजिक, विद द सॉलिड लॉजिक, और इस तरीके से आप करते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। अब देखिए यहां हम पढ़ते हैं, ये है डबल फिलर का एक क्वेश्चंस। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, ठीक है। द यहां पर एक वर्ड चाहिए आपको, द ऑल्दो सम ऑफ देयर ऑब्जेक्शंस, सम ऑफ देयर ऑब्जेक्शंस, देखिए यहां पर कीवर्ड को ध्यान से देखिए, देयर ऑब्जेक्शंस, उनके ऑब्जेक्शंस। अब ये किनके ऑब्जेक्शंस होंगे, ऑब्जेक्शंस उठाने का काम कौन करता है, एक व्यक्ति करता है, तो यहां पर पीपल से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वर्ड यहां पर चाहिए जो पीपल से रिलेटेड हो, और पीपल से रिलेटेड क्या वर्ड है यहां पर, डिट्रैक्टर। जो एक व्यक्ति है वो डिट्रैक्टर हो सकता है, वो अपोजिशन वाला व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर डेटर, डेटर तो एक वर्ब है, अवॉइड एक वर्ब है, माइनर एक वर्ब है, मतलब यहां पर एक नाउन चाहिए और एक ऐसी नाउन चाहिए जो लोगों से रिलेटेड हो, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं देयर ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो देखिए मैंने किस तरीके से कीवर्ड को पकड़ा और किस तरीके से यहां पर सही आंसर निकाला, तो डिट्रैक्टर यहां पर होगा फर्स्ट। अब हम देखते हैं यहां पर ऑब्जेक्शंस स्टेम फ्रॉम अ नेटिव शोविनिज्म हैव अ पॉइंट। शोविनिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म या किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करना या किसी चीज को बहुत ज्यादा मानना, तो उस हिसाब से शोविनिज्म भी यहां पर एकदम सही वर्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये टेक्निक आपको समझ में आ रही है, और यही एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप बैंकिंग एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। द सेंटर नीड्स टू अप्लाई मच मोर थॉट बिफोर पुशिंग द बिल फॉर इट्स, फॉर का मतलब होता है बिकॉज। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर नीड्स टू अप्लाई मच मोर थॉट, कि सेंटर को इस बिल को अप्लाई करने से पहले, इस बिल को लाने से पहले मच मोर थॉट, काफी विचार विमर्श करना पड़ेगा। Apply much more thought before pushing the bill
फॉर इट्स, मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो अपोजिशन या अपोज के इक्विवेलेंट एक वर्ड यहां पर आपको चाहिए। अपोज का इक्विवेलेंट वर्ड है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, बाकी सारे वर्ड अपोज के इक्विवेलेंट नहीं आप देख सकते हैं, तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा फर्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, ये कितना लंबा सेंटेंस है और इसको मैं आपको करके बताता हूं बहुत जल्दी से। द रीसेंट थॉ इन रिलेशंस बिटवीन प्योंगयांग एंड वॉशिंगटन हैज बीन एडेड। यहां पर देखिए कीवर्ड देखिए एडेड, मतलब रिलेशंस को एड किया जा रहा है, रिलेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रिलेशंस और एडेड ये दोनों कीवर्ड मैंने पकड़े यहां पर, रिलेशंस और एडेड। बाय अटेम्प्ट्स बाय बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया टू रिस्टोर नॉर्मेलसी। देखिए हम एड क्यों कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप को एड क्यों कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिस्टोर नॉर्मेलसी। हम नॉर्मल सिचुएशन को वापस लाना चाहते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन कैसे वापस आएगी, जब दो लोगों के बीच में जो संबंध होंगे वो काफी अच्छे होंगे यानी कॉर्डियल होंगे, तो यहां पर कॉर्डियलिटी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है। देखिए पूरा सेंटेंस कितना लंबा सेंटेंस है, मैंने इस पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ा, मैंने केवल कीवर्ड्स को देखा और लॉजिक को अप्लाई किया और सही आंसर पूरी एक्यूरेसी के साथ आपके सामने आ गया। तो जो रैंकर्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के, वो इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। और यदि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे वर्ड्स के मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को देख के आप नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपना आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इंग्लिश को किया जा सकता है, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, मैं लॉजिक से सारे क्वेश्चंस को कर सकता हूं। और इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, किस तरीके से लॉजिक को आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से सही आंसर तक आपको पहुंचना है। और जो सही आंसर आप निकालें, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई, मतलब अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि मैंने ये आंसर निकाला है और यही इसका आंसर होगा, और इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं कि यही इसका आंसर होगा। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे DI हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में आपको यही टेक्निक अपनानी है। और यही टेक्निक आप अपनाते हैं तो फिर देखिए कैसे रिजल्ट आता है और कैसे आपके सिलेक्शंस होते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैड रिजन टू एन ऑल टाइम हाई ओवर द विंटर एंड प्योंगयांग सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एंड। देखिए प्योंगयांग सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एंड, अब देखिए यहां पर लिखा है मिसाइल, मैंने एक कीवर्ड पकड़ा मिसाइल, यहां पर एक कीवर्ड मैंने पकड़ा न्यूक्लियर, ठीक है, यहां पर मैंने एक कीवर्ड पकड़ा एंड, यानी न्यूक्लियर के लिए कौन सा वर्ड, मिसाइल के लिए कौन सा वर्ड आया है, न्यूक्लियर। मतलब किस तरह की मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल की। लेकिन यहां पर क्या लगा है, यहां पर लगा है एंड, मतलब यहां पर एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो मिसाइल के साथ कनेक्ट हो जाए। मतलब मिसाइल के लिए हमने न्यूक्लियर तो बोल ही दिया, लेकिन एक वर्ड और चाहिए जो मिसाइल को मॉडिफाई करे, ठीक है। तो मिसाइल किस तरह की हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है, और किस तरह की हो सकती है, क्या डिसेंसी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगेंस्ट मिसाइल नहीं हो सकती, कंफर्ट मिसाइल नहीं हो सकती, ब्लिंक मिसाइल नहीं हो सकती, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो सकती है। इसका आंसर होगा 4। जब फर्स्ट ऑप्शन सही है तो सेकेंड ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। स्ट्रिंजेंट अब आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है और यही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है और यही टेक्निक आपको अपनानी है और यही टेक्निक से आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट हैज आल्सो सीज्ड फर्दर न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट वेदर मिस्टर किम का नाम सुना होगा आपने, ये नॉर्थ कोरिया के हेड है, विल अग्री टू अ फ्रिज। फ्रीज का मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब चूंकि यहां पर ए लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फ्रीज को हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रीज का मतलब यहां पर है कि किसी चीज पर रोक लगा देना, फ्रीज का मतलब किसी चीज को रोक देना, क्योंकि यहां पर ए है इसलिए ये नाउन की तरह काम कर रही है। फ्रीज ऑन द नॉर्थ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज हाउएवर, देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है वेदर मिस्टर किम विल अग्री टू ए फ्रीज ऑन द नॉर्थ न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब क्या मिस्टर किम नॉर्थ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक फ्रीज लगाएंगे, क्या उस पर रोक लगाएंगे। ये चीज कैसी है, ये चीज डाउटफुल है, क्योंकि मिस्टर किम के बारे में हम जानते हैं बहुत ही डेंजरस वो लीडर हैं, तो ये चीज कैसी होगी। हाउएवर स्टिल इन द रियल्म ऑफ
स्पेकुलेशन, यहां पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो डाउट को कन्वे करता हो, और डाउट को कन्वे करने वाला एक वर्ड है स्पेकुलेशन, ठीक है। तो स्पेकुलेशन यहां पर जो होगा वो सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एन एम्यूनेशन लॉरी, एक ऐसा वर्ड चाहिए, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, एक ऐसा वर्ड यहां पर चाहिए आपको जो दोनों में ही फिट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, एन एम्यूनेशन लॉरी, एम्यूनेशन लॉरी का मतलब जिसमें जिसमें गोला बारूद सारा भरा रहता है, ऐसी गाड़ी को हम बोलते हैं एम्यूनेशन लॉरी। एम्यूनेशन लॉरी यहां पर दिया है एम्यूनेशन लॉरी, और यहां पर दिया है विद ए रोर, विद ए रोर मतलब दहाड़ के साथ, आवाज के साथ। तो एम्यूनेशन जो लॉरी है उसमें आवाज कब आएगी, एम्यूनेशन लॉरी में रोर कब आएगा, आवाज कब आएगी, जब उसमें एक्सप्लोजन होगा तब आएगी, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका एक्सप्लोडेड, और पहला जब आंसर सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। पहले में आप श्योर हैं तो दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप उसको सही आप मान सकते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश एटॉमिक डिवाइस वॉज एक्सप्लोडेड इन द मोंटे वेलो आइलैंड। तो यहां पर देखिए, एक्सप्लोड वर्ड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। मैंने लॉजिक बताया और मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि एक्सप्लोड ही किसमें क्यों आएगा, मैं दूसरे ऑप्शंस को क्यों नहीं देख रहा हूं। मैंने जस्टिफाई किया कि यहां पर एम्यूनेशन लॉरी है, एक ऐसी गाड़ी है जिसमें गोला बारूद भरा हुआ है, और गोला बारूद जब भरा हुआ है तो वो बहुत तेज, रोर का मतलब है एक दहाड़ मारना, तो बहुत तेज आवाज उसमें कब आ सकती, किस सिचुएशन में आ सकती, जब उसमें एक्सप्लोजन होगा, जब उसमें विस्फोट होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं जस्टिफाई करके बता रहा हूं कि ये आंसर आपका, केवल यही आंसर सही क्यों होगा, बाकी आंसर सही क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है आपकी सही टेक्निक, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या दूसरे सब्जेक्ट्स हो, कि आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए अपने आंसर को। अब देखिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टेट केम इन टू द, स्टेट होता है संपत्ति, ठीक है, केम इन टू द ऑफ द फैमिली, यहां पर है स्टेट और यहां पर है फैमिली। तो स्टेट होता है संपत्ति, और संपत्ति और फैमिली यहां पर दो की वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड दिया है ऑफ, ऑफ किसके साथ जुड़ता है, स्टेट और फैमिली। देखिए, स्टेट और फैमिली का संबंध किस चीज से है, फैमिली जो है वो स्टेट को पजेस कर सकती है, फैमिली जो है वो स्टेट को अपने अधिकार में ले सकती है, फैमिली एंड स्टेट, या कोई स्टेट है तो वो फैमिली की होगी। यानी यहां पर एक सीधा सा लॉजिक ये बन रहा है कि यहां पर हम पजेशन की बात कर रहे हैं, और पजेशन के बाद ऑफ वर्ड भी आता है, तो ये भी एक लॉजिक है, और यहां पर ऑफ वर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए पजेशन इसमें सही होगा। आप सेकंड पढ़िए, शी हैड टेकन, टेकन के साथ पजेशन वर्ड जाता है, टेकन पजेशन, टेक पजेशन, ठीक है। और पजेशन के बाद ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो उस हिसाब से भी ये सही हो गया। तो यहां पर आंसर होगा आपका पजेशन, ठीक है। ऑब्सेशन जुनून होता है, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि होता है, ये सारे वर्ड गलत है, ये नहीं आएंगे, और पजेशन यहां पर सही है। तो इस तरीके से द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू बिकम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरीके से इनको आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप मास्टर कर सकते हैं। देखिए, ही इशूड टू द शेरिफ, ही एक व्यक्ति का नाम है, तो कोई चीज उसने इशू करी जब, ठीक है, तो वह किसको करी, व्यक्ति को करी, यानी शेरिफ जो है एक व्यक्ति का नाम है, और यहां पर क्या वर्ड आ सकता है, इशू हम क्या करते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देख लेते हैं। इफ ए प्रिजनर डिसऑबेज एन, ही विल बी पनिश्ड, यदि प्रिजनर किसी चीज को डिसऑबे करे तो उसको सजा दी जाएगी, किस चीज को वो डिसऑबे करे, इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शन इसलिए भी आएगा क्योंकि यहां पर एन लगा हुआ है, एन लगा है, तो इसलिए भी इंस्ट्रक्शन वर्ड यहां पर आपका करेक्ट होगा, यहां पर सही आंसर होगा आपका इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द 15 पीपल अरेस्टेड वर स्टिल इन पुलिस, मतलब 12 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो अभी भी पुलिस में थे। तो पुलिस में थे मतलब अरेस्ट तो कर लिया उनको, लेकिन पुलिस के साथ थे, अरेस्ट कर लिया लेकिन पुलिस के साथ है, इसका मतलब वो पुलिस की कस्टडी में है, वो पुलिस की हिरासत में है। अब कस्टडी वर्ड यहां पर दिया नहीं है, लेकिन कस्टडी का इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर दिया है, कस्टडी का इक्विवेलेंट वर्ड होता है डिटेंशन, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डिटेंशन। फर्स्ट सही है तो सेकंड अपने आप सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द सॉफ्ट कलर्स ऑफ द नॉर्थम्ब्रेनियन, द ऑफ ईस्ट नॉरफॉक। देखिए, ऑफ हम जब लगाते हैं
तो इससे पहले जैसे ऑफ ईस्ट लिखा है, ठीक है, तो कोई भी आप वर्ड बोलिए जिसमें बीच में ऑफ लगा है और यहां ईस्ट लगा है लिखा है या वेस्ट लिखा है, तो यहां पर केवल नाउन ही आ सकता है, ठीक है। जैसे ग्लैमर ऑफ द ईस्ट या पीपल ऑफ द ईस्ट, कुछ भी आप बोलेंगे यहां पर, तो यहां पर केवल नाउन ही आएगा। आप कोई भी लॉजिक लगाइए, देखिए ऑफ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, मतलब ईस्ट की किसी चीज की आप बात कर रहे हैं, यानी यहां पर केवल नाउन ही आ सकता है। और नाउन क्या है इसमें? डेजलिंग नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। ब्लाइंडिंग नाउन नहीं है, डेजल वर्ब है, फ्लूरोसेंट एडजेक्टिव है। नाउन केवल एक ही है और वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप सही आंसर होगा फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे और नर्वस हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसको देखिए मैं विद इन सेकेंड्स आपको सॉल्व करके बताता हूं। यहां से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। गिवन द वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग कलेक्टेड बाय प्राइवेट कंपनीज एंड स्टेट एजेंसीज एंड देयर फ्लो अक्रॉस नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, द एब्सेंस ऑफ ए डेटा प्रोटेक्शन लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया हैज बीन अ कॉज फॉर डीप कंसर्न। इसका मतलब ये है कि डेटा को पब्लिक एजेंसीज और बैंक्स और दूसरे लोग से बड़े लेवल पर यूज कर रहे हैं और डेटा का प्रोटेक्शन एक चिंता का विषय बन गया है। उस डेटा को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए, तो यहां पर जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो अथॉरिटी चिंता जाहिर कर रही है कि उस डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उसका एक्सटेंशन यहां पर चाहिए, उसका एक्सटेंशन आपको यहां पर चाहिए। और उसका एक्सटेंशन किस सेंटेंस में मिलेगा, जी हमें देखना पड़ेगा। दिस इज एकिन टू नहीं, ये नहीं है। इट सीक्स टू कोडिफाई नहीं है। दिस इज इवन मोर सो, मतलब ये चिंता का तो विषय है, लेकिन और ज्यादा चिंता इसलिए इससे इसलिए हो रही है बिकॉज इन मैनी केसेस इंडिविजुअल हुज डेटा हैव बीन यूज्ड एंड प्रोसेस्ड पजेस्ड बाई एजेंसी बोथ प्राइवेट फर्म्स एंड स्टेट एंटिटी आर ऑब्लिवियस टू द पर्पज। मतलब जिन लोगों का डेटा यूज हो रहा है उन लोगों को यही नहीं पता कि उनका डेटा किस काम में आ रहा है, कहां पर वो यूज हो रहा है। तो इसलिए यहां पर हम एक डीप कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, एक चिंता के बारे में बात कर रहे हैं, और उस चिंता को, उस पॉइंट को यहां पर एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें केवल और केवल थर्ड ही आपका आंसर होगा। अब देखिए एक ये सेंटेंस है, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हैज स्टेडीली इंक्रीज सिंस द एंटायर ऑफ रिलायंस जियो। इस क्वेश्चन में रिलायंस जियो के बारे में बात हो रही है और ये हम बोल रहे हैं कि रिलायंस जियो ने कंपटीशन क्रिएट कर दिया है और दूसरे जो प्लेयर हैं उनकी हालत बहुत खराब है। दिस हैज लेफ्ट द इनकम्बेंट बैटलिंग, इनकम्बेंट मतलब जो कंपटीटर हैं, बैटलिंग फ्यूरियसली मतलब आपस में उनमें लड़ाई हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर टर्फ एंड टेरिफ। वो अपने टेरिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको प्राइसेस बहुत ज्यादा कम करनी पड़ रही हैं। द टेलीकॉम रेगुलेटर सेप्टेंबर डिसीजन टू मोर देन हाफ द टेलीकॉम रेगुलेटर सेप्टेंबर डिसीजन टू मोर देन हाफ द फी दैट ऑपरेटर पे ऑन क्रॉस नेटवर्क कॉल्स हैज ओनली एडेड टू देयर वोस। मतलब उनकी चिंता फिक्र और बढ़ गई है क्योंकि फीस को हाफ कर दिया गया है। यहां पर ये सेंस निकल रहा है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? विद अबाउट 430 मिलियन सब्सक्राइबर वोडाफोन और आइडिया की इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर आ रहा है विद अबाउट 430 मिलियन सब्सक्राइबर द मैनेजमेंट ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया हैव रिपीटेडली अंडरस्कोर्ड द कॉम्पिटिटिव चैलेंज फेसिंग देम। देखिए इसमें इसी चीज की बात हो रही है, जो चीज यहां पर लिखी हुई है वही चीज की इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात हो रही है। और यहां पर देखिए हमने चूंकि वोडाफोन और आइडिया को यहां पर हमने मेंशन किया है, तो इसलिए इसमें वोडाफोन और आइडिया वाला सेंटेंस ही आएगा। द मैनेजमेंट ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया हैव रिपीटेडली अंडरस्कोर द कॉम्पिटिटिव चैलेंज फेसिंग देम विद बोथ ऑपरेटर लूजिंग कस्टमर। देखिए यहां पर हमने लूजिंग कस्टमर की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हम 430 मिलियन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस यहां पर एकदम सही होगा और ये इसका फर्स्ट जो हो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बैंकिंग एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश सेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो भी किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, वो हम और आप में से ही हैं, ऑर्डरी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी को वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्मार्ट ट्रिक्स को वो अप्लाई करते हैं और वहां से वो सही आंसर निकालते हैं। तो ट्रिक्स मैंने कुछ समझाई है आपको इसमें कि 4 सेकेंड में 5 सेकेंड में एक इंग्लिश के लेंथी क्वेश्चन को, एक इंग्लिश के ट्रिकी क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि आप डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो अपनी रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।